लोगों ने जीरो बैलेंस से काम शुरू किया है और हमारे वर्तमान कोषाध्यक्ष ने भी इस बात को आप लोगों के सामने रखने का काम किया। ये जमीन का स्वरूप आप लोगों के सामने 4 फीट 5 फीट बैठा था जिस समय भूमि पूजन हुआ। खाते हैं उसमें मेरा भी सहयोग है। आप बताइए जो व्यक्ति इतना आप लोग के लिए कर सकता है वह क्या कमीशन खा सकता है? हंसने की बात नहीं, दुख होता है। दुख होता है कि हम कैसे समाज से आए कि आज समाज के लिए जितना हम लोग कर रहे हैं समाज हमको दे क्या रहा है, बदनामी। ऐसे में आने वाला पीढ़ी, आने वाला नौजवान एकदम घबराएगा कि इस समाज में हमको क्या मिलता है बदनामी के सिवा। ये तो हमारा संकल्प था जितना बदनाम करना हो करो। बाबा की जय। आज गंगा बाबा सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी भक्तजन, आप समाज के भूमिका में समाज निर्माण से यानी सृष्टि से यानी कहे तो जब बालक जन्म लेता है उस समय से आपकी भूमिका शुरू होती है। आप समाज के भूमिका में समाज निर्माण से यानी सृष्टि से यानी कहे तो जब बालक जन्म लेता है उस समय से आपकी भूमिका शुरू होती है। इस तरह इस वर्ष भी इस सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं फिर से मेरे बड़े भाई अखिलेश कुमार गुप्ता जी को अपनी ओर से धनबाद क्षेत्र तमाम क्षेत्र के लोग की ओर से हार्दिक जिसमें बधाई देता हूँ। पूरे विश्व ने किस तरह से स्थापित करने का काम किया है मुझे विश्वास है कि वह ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक उसे एक ईमानदारी निभाने के साथ काम करता है। मैं आप लोग यही आज का निवेदन करना चाहेंगे, हम लोग ये हाथ में 5 उंगली है तो वैश्य समाज के लोग भी 64-54 उप जाति है, जबकि हम लोग अलग अलग में बटे हुए हैं। हम लोगों को भी सब समाज का सेवा करना है, सब समाज को हम लोग पूजा करना है, हम लोग करते हैं, हम सेवा करने वाले समाज भी हैं और हमारी समाज में जीवाई जो मिलता है सेवा के भाव से हम करते हैं। किसी तरह का कोई असामाजिक तत्वों के तरह हम लोग नहीं काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवा के भावना से ईमानदारी निष्ठा पूर्वक काम करते हैं। समाज को बोलना होगा, ये मानसिकता रखने वाले लोगों को जवाब भी देने की जरूरत है। जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक वो हमें घृणा दृष्टि से देखता है। वैसे घृणा दृष्टि से देखने वाले समाज हो वैसे लोगों को जवाब देने की भी जरूरत है। जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक कोई से लोगों को चोट नहीं पहुंच सकता। और मैं ये घोषणा करके जा रहा हूँ, बोलने का तो बहुत इच्छा समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ये घोषणा करके जा रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आगे बढ़े, समाज हर समाज का सेवा करने का काम करें। अखिल भारतीय मध्यस्या वैश्य समाज के धनबाद जिला के इस महाधिवेशन में जयंती समारोह में हमें बाबा का आशीर्वाद लेने का प्राप्त हुआ, समाज का भी आशीर्वाद मिला। मैं बाबा गंगनाथ जी से यही विनती करेंगे कि समाज के और अदर समाज के हर समाज के लोगों का आशीर्वाद कृपा बनाए रखिए, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। आज बाबा गणिनाथ जी का लाल बंगला गणिनाथ आश्रम में 72वां जयंती समारोह था और इस अवसर पर गणिनाथ भवन का मुख्य द्वार का उद्घाटन भी हमारे धनबाद के सांसद आज के मुख्य अतिथि माननीय ढुल्लू महतो जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इसमें हमारा गरिमामयी उपस्थिति धनबाद के विधायक माननीय राज सिन्हा और सिंदरी के विधायक पत्नी तारा देवी और झरिया के विधायक पत्नी रागिनी सिंह जी की उपस्थिति में धनबाद अखिल भारतीय मध्यस्थ वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय परमानंद जी, संरक्षक
रविंद्र कुमार गुप्ता जी की उपस्थिति में, हमारे समाज के उपस्थिति में आज जो है गेट का, भव्य गेट का जो है उद्घाटन किया गया। और 72वां जयंती के उपलक्ष्य में धनबाद जिला से कोने कोने से हमारे समाज के लोग यहाँ भव्य प्रदर्शन के साथ यहाँ पर भागीदारी दिए। और आज का इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों लोगों का भी कार्यक्रम हो रहा है। और इस अवसर पर यहाँ पर जो है पूरा धनबाद जिला से कोने कोने से पैदल चल करके लोग यहाँ पर आए हैं। और गणिनाथ जी का 72वां जयंती बहुत ही सफल और शानदार तरीके से, भव्य तरीके से हुआ है। और इस अवसर पर रणधीर वर्मा चौक से हमारा जो है शोभा यात्रा निकाला गया है, जिसमें भजन कीर्तन और बाबा का तस्वीर डीजे के साथ में भव्य मोटरसाइकिल जुलूस के साथ में चल करके यहाँ पर जयंती स्थल पर पहुँचा है। इसके लिए मैं अपने तमाम धनबाद जिला के, अपने समाज के लोगों को मैं तन मन धन से बधाई देता हूँ। और इसमें जो सहयोग करने वाले हमारे इस ट्रस्ट के निर्माण में और मदस्या भवन के निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग दिया है, मैं उनको तहे दिल से बधाई और शुभकामना भी दिया हूँ।